सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HT लाइन एंड LT लाइन क्या होता है और भी साथ ही देखेंगे कि कितने वायर का यूज किया जाता है दोनों में, कितने वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट किया जाता है और भी बहुत कुछ देखेंगे। दोस्तों स्टार्ट करेंगे HT एंड LT के फुल फॉर्म से। HT का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन एंड LT का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन। दोस्तों पहली बात की टेंशन का मतलब क्या होता है। टेंशन एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हिंदी में या इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं, इसलिए आप HT को हाई टेंशन या तो हाई वोल्टेज भी बोल सकते हो और LT को लो टेंशन या तो लो वोल्टेज भी बोल सकते हो। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए LT एंड HT लाइन के लिए, मींस कितने वोल्टेज लेवल तक को हम लोग LT लाइन बोलेंगे और कितने वोल्टेज लेवल तक को हम लोग HT लाइन बोलेंगे। तो लो टेंशन लाइन का वोल्टेज 1000 वोल्टेज से कम होता है, मींस 1 KV से कम वाले लाइन को लो टेंशन लाइन बोलते हैं। दोस्तों LT सप्लाई दो कैटेगरी में होती है, सिंगल फेस एंड 3 फेस। अपने इंडिया में सिंगल फेस का वोल्टेज 230 वोल्ट होता है और 3 फेस का वोल्टेज 440 वोल्ट एंड 415 वोल्ट होता है। दोस्तों नॉर्मली घरों में सिंगल फेस आता है, मींस 230 वोल्ट हमारे घरों में आता है। अगर लोड ज़्यादा है तो सिंगल फेस की जगह 3 फेस का यूज़ किया जाता है, 3 फेस के अंदर 415 वोल्ट आता है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि HT लाइन में कितने वोल्टेज लेवल तक को हम लोग HT लाइन बोलते हैं। हाई टेंशन लाइन में 11 KV, 22 KV, 33 KV लाइन को HT लाइन बोला जाता है, मीन्स 33 KV तक के वोल्टेज लेवल को हाई टेंशन लाइन बोला जाता है। 33 KV से ऊपर वाले वोल्टेज लाइन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बोला जाता है, मीन्स अगर वोल्टेज 1000 वोल्ट से कम होगा तो उसे LT लाइन बोलेंगे और अगर वोल्टेज 11 KV से लेके 33 KV तक होगा तो उसे HT लाइन बोलेंगे। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉल्ट किस में ज़्यादा होता है, LT लाइन में या HT लाइन में। दोस्तों जो LT लाइन होती है उसके अंदर ज़्यादा फॉल्ट होता है, क्योंकि जो LT लाइन होती है वो लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, मीन्स जो लोड होता है उसके अंदर कंटिन्यू वेरिएशन होते रहते हैं, तो वेरिएशन होने की वजह से वायर के ऊपर भी स्ट्रेस चेंज होते रहता है कंटिन्यू। तो अगर वायर के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो वायर जल जाता है, इसके वजह से LT साइड में ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। और जो HT लाइन होती है उसके अंदर कम फॉल्ट होते हैं, क्योंकि लोड डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड रहता HT लाइन में, मीन्स वायर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, इसके लिए HT लाइन में फॉल्ट कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा इंसुलेटर यूज़ किया जाता है LT एंड HT लाइन में। पहले LT लाइन के इंसुलेटर देख लेते हैं। मोस्टली LT लाइन में दो टाइप के इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर एंड शेकल टाइप इंसुलेटर। बट दोस्तों ये इंसुलेटर ओवरहेड लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइन में भी दो कैटेगरी होती है दोस्तों, ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल लाइन। तो स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर एंड शेकल टाइप इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है ओवरहेड LT लाइन में, और अंडरग्राउंड के लिए केबल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो HT लाइन होती है उसके अंदर हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर एंड डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कौन सा कंडक्टर यूज़ किया जाता है दोनों लाइन में। HT लाइन के अंदर हम लोग रैबिट ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं अप टू 11 KV, मीन्स अगर HT लाइन को 11 KV से ऑपरेट कराना है तो हम लोग रैबिट ACSR कंडक्टर का यूज़ करेंगे। नॉर्मली रैबिट कंडक्टर का साइज 50 mm स्क्वायर होता है और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 157 एम्पियर तक की होती है। वही अगर HT लाइन को 33 KV से ऑपरेट कराना है तो हम लोग डॉक कंडक्टर का यूज़ करेंगे। डॉक कंडक्टर का साइज 100 mm स्क्वायर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि LT लाइन में किस टाइप के कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। LT लाइन में मोस्टली स्क्विरल ACSR कंडक्टर का यूज़ किया जाता है और कई कई जगह पे विसल कंडक्टर का भी यूज़ किया जाता है। स्क्विरल कंडक्टर का साइज 20 mm स्क्वायर होता है और उसकी करंट कैपेसिटी 89 एम्पियर तक की होती है। दोस्तों ये जितने भी कंडक्टर हैं वो ACSR कंडक्टर के टाइप हैं, जैसे कि रैबिट कंडक्टर, स्क्विरल कंडक्टर, विसल कंडक्टर एंड डॉग कंडक्टर। इन सब कंडक्टर की लिस्ट मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। दोस्तों अब देख लेते हैं कि कितने वायर का यूज़ किया जाता है LT लाइन में एंड HT लाइन में। नॉर्मली LT लाइन को स्टार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो स्टार में डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से 4 वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, RYB एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। दोस्तों HT लाइन को डेल्टा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लिए डेल्टा में खाली 3 वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, RYB।
डेल्टा में न्यूट्रल वायर का यूज नहीं पड़ता है, इसके लिए खाली तीन वायर का ही यूज पड़ता है एचटी लाइन में। दोस्तों जो एचटी लाइन होती है वो पावर सबस्टेशन से आती है और आके हमारे डीपी स्ट्रक्चर में खत्म हो जाती है। मींस एचटी लाइन बड़े पावर स्टेशन से स्टार्ट होती है और हमारे पोल माउंटेड सबस्टेशन पे आके खत्म हो जाती है। और जो एलटी लाइन होती है वो पोल माउंटेड सबस्टेशन से स्टार्ट होती है और हमारे घरों में आके खत्म हो जाती है। मींस एलटी लाइन के बीच में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। दोस्तों पहले जितने भी एलटी लाइन बनाई जाती थी वो पोल के ऊपर ओवरहेड वायर के थ्रू बनाई जाती थी। ओवरहेड वायर में ज़्यादा फॉल्ट होने की वजह से ओवरहेड लाइन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंटरप्शन होता था। इसके लिए अब धीरे धीरे एलटी लाइन को अंडरग्राउंड केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो सिटी होती है उसमें अंडरग्राउंड केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करना अब जरूरी हो गया है। इसके लिए धीरे धीरे एलटी लाइन को अंडरग्राउंड केबल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।